एनजीटेक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपेंद्र। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है कि आप कैसे बाल्ब को फील्ड में देखकर पहचान सकें कि ये कौन सा बाल्ब है। मैं आपको आज फील्ड में दिखाकर समझाऊंगा कि किस तरह से बाल्ब ऑपरेट होता है और ये दिखने में कैसा होता है, ताकि आप कभी भी किसी भी कंपनी में जाएं तो आप आसानी से देख कर बता सकें कि ये कौन सा बाल्ब है। तो अभी हम प्लांट में आ चुके हैं। ये हमारा गेट वाल्व है, जो आप देख रहे हैं ये हमारा गेट वाल्व है। नीचे की तरह आप देखेंगे तो आपको ये फ्लैट टाइप का दिखेगा, जो नीचे से ये चपटा टाइप का रहता है, और इस वाल्व में आपको कहीं भी फ्लो डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। यानी इसमें जो एरो का निशान रहता है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको दोनों साइड में दिखाऊंगा। इसमें कहीं भी आपको फ्लो डायरेक्शन का निशान देखने को नहीं मिलेगा। फ्लैंज के नीचे वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं। ये जो आपको फ्लैंज के नीचे के वाले पार्ट दिख रहा है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, जो कि बाल्ब के सारे इंटरनल पार्ट को होल्ड करने का काम करता है। और फ्लैंज से ऊपर वाले पार्ट को बोनट बोलते हैं। बोनट फ्लैंज के द्वारा बॉडी से जुड़ा होता है, जो कि स्टेम और बाल्ब की जो डिस्क रहती है उसको होल्ड करने का काम करता है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा बोनट होता है वह स्टेम और बाल्ब की डिस्क को होल्ड करने का काम करता है। और बोनट के ऊपर वाले भाग को स्टफिंग बॉक्स बोलते हैं। जो आपको भाग दिख रहा है इसको हम स्टफिंग बॉक्स बोलते हैं, जिसके अंदर ग्लैंड पैकेजिंग भरा होता है। ये सब जो आपको दिख रहा है इसके अंदर हमारा ग्लैंड पैकेजिंग भरा रहता है। ग्लैंड पैकेजिंग स्टेम और बोनट के बीच सीलिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। इसमें जो आपको थ्रेड वाला भाग दिख रहा है इसको हम स्टेम बोलते हैं। अभी ये वाल्व हमारा ओपन कंडीशन में है, इसको हम हैंड व्हील या हैंडल भी बोलते हैं। जब हम बाल्ब को ओपन या क्लोज करते हैं तो हैंडल हमारा एक ही जगह पर मूव करता है। जो आपको हैंडल दिख रहा है या हैंड व्हील, वो हमारा जब हम बाल्ब को ओपन या क्लोज करते हैं एक ही जगह पर हमारा घूमता है, और सिर्फ हमारा स्टेम ऊपर और नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। अभी ये लाइन हमारी प्रेशराइज कंडीशन में है, इसलिए हम इस बाल्ब को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि ये हमारी लाइन प्रेशराइज कंडीशन में है। अभी ये वाल्व हमारा हाइड्रोलिक टेस्ट करके रखा हुआ है, इसको हम आपको ऑपरेट करके बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। अभी ये वाल्व ओपन कंडीशन में है, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। जो इसके अंदर का डिस्क है वो हमारा ऊपर की तरफ है। अभी ये हमारा बाल्ब पूरी तरह ओपन है। जब हम बाल्ब को क्लोज करेंगे तो जो डिस्क रहता है वो हमारा नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। मैं बाल्ब को अभी आपको क्लोज करके दिखाता हूं। अभी हमारा बाल्ब 50% क्लोज हो चुका है। आप देखेंगे जो इसका डिस्क है वो आपका बीच में आ चुका है। अभी हमारा बाल्ब 50% क्लोज है और 50% हमारा बाल्ब ओपन है। अभी हम बाल्ब को पूरा क्लोज करेंगे तो जो हमारा डिस्क रहता है ये हमारा बिल्कुल सीट में बैठ जाएगा। जो नीचे जो सीट रहता है बाल्ब का, जो हम बाल्ब को क्लोज करेंगे तो जो हमारा डिस्क है पूरा सीट में बैठ जाएगा। अभी हमने बाल्ब को पूरा क्लोज कर दिया है, मैं आपको डिस्क दिखाता हूँ अंदर। आप देखेंगे कि जो इसका डिस्क है पूरी तरह सीट में बैठ चुका है और बाल्ब हमारा पूरा बंद हो चुका है। डिस्क सीट के कांटेक्ट में आने पर एक तरह से सील क्रिएट करता है, और जो हमारा फ्लूड फ्लो हो रहा है बाल्ब के थ्रू उसको वो क्या है, स्टॉप कर देता है। सभी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला वाल्व गेट वाल्व भी है। गेट वाल्व को लो प्रेशर लाइन में यूज़ किया जाता है, और गेट वाल्व को आइसोलेशन वाल्व और स्लूज वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। लो प्रेशर और हाई फ्लो के लिए गेट वाल्व का यूज़ किया जाता है।
और ये बाल्ब हमारा ग्लो बाल्ब है, इसमें फ्लो डायरेक्शन का निशान रहता है और जिस डायरेक्शन में एरो लगा रहता है, जो आपको एरो दिख रहा है, और जिस डायरेक्शन में एरो लगा रहेगा उसी डायरेक्शन में बाल्ब को फिट किया जाता है। ये देखने में गोलाकार शेप का होता है, इसलिए इसे ग्लोब बाल्ब कहा जाता है। ग्लोब बाल्ब की वर्किंग को हम समझ लेते हैं। इधर से हमारा फ्लूड इन करेगा और जिस डायरेक्शन में एरो रहेगा उधर से हमारा फ्लूड इन करेगा और यहाँ से हमारा फ्लूड आउट करेगा। अभी हमारा बाल्ब क्लोज कंडीशन में है, आप देखेंगे जो थ्रेडी स्ट्रेम है वो अंदर की तरफ है। अभी हम बाल्ब को ओपन करना शुरू करेंगे। अभी हम बाल्ब को ओपन कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको डिस्क भी दिखाऊंगा। जो डिस्क है वो हमारा ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। आप देखेंगे जो डिस्क है वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। अभी हमारा बाल्ब पूरा ओपन हो चुका है। अब हम बाल्ब को क्लोज करना शुरू करेंगे। आप देखेंगे जो डिस्क है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जो डिस्क है वो नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ग्लोब बाल्ब में हमारा स्टेम पर ही हैंडल फिट रहता है। जब हम बाल्ब को ओपन करते हैं तो स्टेम के साथ साथ हैंडल भी ऊपर आ जाता है। जब हम बाल्ब को क्लोज करते हैं तो स्टेम के साथ हैंडल भी अंदर चला जाता है। अभी हमारा डिस्क पूरा क्लोज हो चुका है। आप देखेंगे जो हैंडल है और स्टेम स्क्रू दोनों अंदर जा चुका है। और मैं आपको डिस्क भी दिखाऊंगा। जो हमारा डिस्क है वो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। जहाँ हमें हाई प्रेशर को कंट्रोल करना होता है वह हम ग्लोब वाल्व का यूज़ कर सकते हैं। ग्लोब वाल्व के द्वारा हम प्रेशर को अपनी ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा या पूरी तरह से स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस बाल्ब की, जहाँ हमें प्रेशर को पाइपलाइन लीकेज प्रूफ रखना होता है वहाँ हम ग्लोब वाल्व का यूज़ करते हैं। ग्लोब वाल्व काफ़ी महंगा होता है गेट वाल्व से, और यह गेट वाल्व से अच्छा शट ऑफ भी प्रोवाइड करता है। ये हमारा नॉन रिटर्न वाल्व रहता है जिसको हम चेक वाल्व भी बोलते हैं। पहचानने का तरीका यह है कि इसमें कोई भी हैंडल नहीं पाया जाता है और यह बाल्ब एक ही डायरेक्शन में फ्लूड को फ्लो कराता है। और जब भी पाइपलाइन में बैक प्रेशर क्रिएट होता है तो ये अपने आप बंद हो जाता है, जो कि पंप को बैक फ्लो से भी बचाता है। चेक बाल्ब में आपको फ्लो डायरेक्शन का निशान देखने को मिलेगा। जिस डायरेक्शन में एरो रहता है वहीं से हमारा फ्लूड इन करता है। हम एक रॉड के माध्यम से आपको समझाएंगे। हमने एक रॉड लिया है, यह हमारा फ्लूड इन यहाँ से करेगा। अब कभी भी पाइपलाइन में बैक प्रेशर क्रिएट होता है किसी भी रीजन से, तो ये क्या करता है, चेक वाल्व इसको रिटर्न आने से रोकता है। इसके अंदर सर्कुलर डिस्क रहती है। जब कभी भी पाइपलाइन में बैक प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो ये सीट में बैठ जाती है और पाइपिंग सिस्टम को बैक फ्लो से प्रिवेंट करती है। आप देखेंगे जो डिस्क है वो हमारा एक ही डायरेक्शन में फ्लूड को फ्लो होने देता है, इसलिए इसे वन डायरेक्शनल बाल्ब भी बोलते हैं। जो सर्कुलर डिस्क रहता है वो हिंग पिन के माध्यम से जुड़ा रहता है। ये वाल्व हमारा बटरफ्लाई वाल्व है। ये कैसे काम करता है इसको हम समझ लेते हैं। अभी हमारा वाल्व क्लोज कंडीशन में है। हैंडल के नीचे जो आपको दिख रहा है इसको लीवर बोलते हैं। यह बाल्ब की पोजिशन को सेट करने के लिए दिया जाता है। बटरफ्लाई वाल्व के द्वारा हम प्रेशर और फ्लो को कम या ज़्यादा या पूरी तरह से स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। इसमें नीचे खांचे कटे रहते हैं, आप देख रहे होंगे इसमें खांचे कटे रहते हैं जिसमें हमारा लीवर लॉक रहता है। इसके लगाने से ये बेनिफिट मिलता है कि जितना भी हमें फ्लो या प्रेशर देना होता है उसमें हम इसको सेट कर सकते हैं, तो ये हमारा लीवर वहाँ पर लॉक हो जाता है। और जब हमारा बाल्ब ओपन रहता है तो जो डिस्क रहता है हमारा बीच में आ जाता है। ये हमारा वाल्व 90 डिग्री में ऑपरेट होता है, इसलिए इसे क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन बाल्ब भी बोलते हैं। अब हम बाल्ब को क्लोज करेंगे तो हमारा डिस्क जो है बिल्कुल सामने आ जाता है। इसमें रबर का सीट लगा रहता है जो कि सीलिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। बाल्ब को पाइपलाइन में कैसे फिट किया जाता है इसको हम
समझ लेते हैं। हम दो फ्लैंज के माध्यम से बाल्ब को फिट करते हैं। हमने दो फ्लैंज लिए हैं, इसके बीच में हम बाल्ब को रख देते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम नट बोल्टिंग के माध्यम से दोनों फ्लैंज को टाइट कर देते हैं। साथ ही साथ हम दोनों साइड में हम गास्केट का भी यूज करते हैं, जो कि वाटर या फ्लूड को लीकेज होने से रोकता है, और बटरफ्लाई बाल्ब को हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। लो प्रेशर लाइन में हम बटरफ्लाई बाल्ब का यूज करते हैं। बटरफ्लाई बाल्ब अन्य बाल्ब की तुलना में वजन में बहुत हल्का होता है और इसकी बॉडी भी बहुत पतली होती है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है। वजन में हल्के होने के कारण इसको लगाना भी आसान होता है। बटरफ्लाई वाल्व में मिनिमल प्रेशर ड्रॉप होता है। ये वाल्व हमारा बॉल वाल्व है, जो कि क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन वाल्व है। लो प्रेशर लाइन में हम बॉल वाल्व का यूज करते हैं। बॉल वाल्व का ऑपरेशन बहुत ही सिंपल रहता है। जब बाल्ब हमारा क्लोज रहता है तो बाल्ब से लीकेज होने का चांसेस बहुत कम रहता है। अभी बाल्ब हमारा क्लोज कंडीशन में है तो हमारा जो भी फ्लूड रहेगा पाइपलाइन में बहुत कम चांस रहता है उसका लीकेज होने का, इसीलिए इसे पॉजिटिव सेटअप वाल्व भी कहा जाता है। इसको हम लीवर बोलते हैं। स्टेम जो रहता है हमारा वाल्व से कनेक्टेड रहता है। अभी हमारा वाल्व क्लोज कंडीशन में है। जब हम वाल्व को ओपन करते हैं तो बॉल के बीच का होल सेंटर में आ जाता है और बाल्ब खुल जाता है, और जब हम बाल्ब को क्लोज करते हैं तो बॉल बीच में आ जाती है और फ्लूड का फ्लो स्टॉप हो जाता है। यह वाल्व हमारा नीडल वाल्व है। इसकी डिज़ाइन की बात करें तो देखने में ये ग्लोब वाल्व की तरह ही होती है। यह वाल्व इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाता है और स्मॉल डायमीटर पाइपिंग में इसका यूज़ करते हैं। जहाँ हमें फ्लो का कंट्रोल बेहद एक्यूरेट चाहिए होता है वहाँ हम नीडल वाल्व का यूज़ करते हैं। यह बहुत ही एक्यूरेट फ्लो को कंट्रोल करता है। नीडल वाल्व का यूज़ एयर, ऑयल, गैस और स्टीम में किया जाता है। नीडल वाल्व में आपको एरो का निशान देखने को मिलेगा और जिस डायरेक्शन में एरो का निशान रहता है उसी डायरेक्शन में हम वाल्व को फिट करते हैं। यह हमारा कंट्रोल वाल्व रहता है जो कि सेट पॉइंट पर काम करता है। इसको हम ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा करके फ्लो को कंट्रोल करा सकते हैं। कंट्रोल वाल्व को हम इलेक्ट्रिकली, हाइड्रोलिकली और न्यूमेटिक एक्चुएटर के द्वारा हम ओपन या क्लोज कराते हैं। आगे हम प्रेशर सेफ्टी वाल्व और रिलीफ वाल्व को भी देख लेते हैं। प्रेशराइज लाइन में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ सेफ्टी पर्पस से किया जाता है, इसलिए इसे प्रेशर सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। जब पाइपलाइन में ओवर प्रेशर क्रिएट होता है तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और प्रेशर को रिलीज कर देता है। यह हमारा स्प्रिंग लोडेड सिंगल लीवर सेफ्टी वाल्व है। जो आपको ये कवर दिख रहा है इसको सेफ्टी वाल्व की कैप बोलते हैं। जब हम कैप को ओपन करते हैं तो इसमें स्प्रिंग एडजस्टर के ऊपर नट रहता है, और अगर हमें सेफ्टी वाल्व को ज़्यादा प्रेशर पे सेट करना होता है तो हम नट को लूज़ कर देते हैं, और अगर हमें सेफ्टी वाल्व को कम प्रेशर पर सेट करना होता है तो हम नट को टाइट कर देते हैं। अगर आपको और भी वाल्व के बारे में समझना है तो मैंने टाइप्स ऑफ वाल्व के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी वाल्व को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।